दोस्तों आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में S-400 डील को लेके काफी तनातनी चल रहा है और इसी बीच में अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इंडिया के विजिट में आ रहे हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि माइक पोम्पियो इंडिया में 25 से 27 तारीख तक रहेंगे और इस विजिट में इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स होगा। दोस्तों माना जा रहा है कि इकोनॉमी और रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी के अलावा दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे डिफेंस डील भी हो सकता है। सुनने को आ रहा है कि माइक पोम्पियो का इंडिया विजिट में इंडिया और अमेरिका के बीच में $10 बिलियन का नया डिफेंस डील साइन हो सकता है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि माइक पोम्पियो का इंडिया विजिट में $10 बिलियन का जो डील साइन होने वाला है वो कौन कौन सा इक्विपमेंट के लिए होगा। दोस्तों इंडिया का S-400 डील को लेके अमेरिका के साथ तनातनी चल रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसे हालत में इंडिया रशिया से S-400 खरीदे। पर दोस्तों अमेरिका का ऑब्जेक्शन के बावजूद इंडिया साफ साफ बता चुका है कि वो S-400 डील से पीछे नहीं हटेगा और ऐसे सिचुएशन में माना जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। पर दोस्तों असर हो या ना हो, हमें सुनने को मिला है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विजिट में इंडिया और अमेरिका के बीच में मनमुटाव होने के बावजूद $10 बिलियन का नया डील फाइनलाइज होगा। और दोस्तों माना यह जा रहा है कि ये डील आने वाले 2 या 3 साल के अंदर प्रॉपरली साइन हो जाएगा और डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों माना यह जा रहा है कि ये नया डील अमेरिका का फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के तहत होगा, जिनमें सबसे प्रमुख है 10 नया P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एंड सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों इंडियन नेवी ऑलरेडी ऐसा 12 एयरक्राफ्ट खरीद चुका है, जिसमें से पहला 8 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को मिल गया है, जबकि सेकंड बैच का 4 एयरक्राफ्ट 2020 से 2022 के बीच में इंडिया को मिलेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि ये 10 एयरक्राफ्ट का कीमत करीबन $3 बिलियन के आसपास होगा। इंडियन नेवी द्वारा ये 10 एयरक्राफ्ट का रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, अभी फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूवल मिलना है। दोस्तों माना ये जा रहा है कि जल्द ही इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नेतृत्व वाला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों इंडियन नेवी अभी जो 10 नया P-8I एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, ये पुराना 12 P-8I एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा एडवांस है। दोस्तों 2009 में इंडियन नेवी द्वारा पहला बैच का 8 P-8I एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों ये 8 एयरक्राफ्ट हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और मार्क 54 लाइटवेट टॉर्पेडो के साथ लैस था। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के साथ इंडिया को रॉकेट और डेप्थ चार्जर भी मिला था। दोस्तों ये 8 एयरक्राफ्ट का कीमत इंडिया को $2.1 मिलियन पड़ा था और उसके बाद 2016 में इंडियन नेवी द्वारा $1.1 मिलियन के लागत से और 4 P-8I एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। कुल मिला के 1 डजन एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद इंडियन नेवी को और 1 डजन मतलब 12 एयरक्राफ्टों का जरूरत था, जबकि बाकी और भी जरूरतों को पूरा करने के कारण से इंडियन नेवी फिलहाल 10 ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदने का डिसीजन लिया है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा डील होगा 30 आर्म्ड सी गार्डियन प्रेडिएटर बी ड्रोन। दोस्तों माना जा रहा है कि तीनों सेनाओं के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा $2.5 बिलियन का लागत से 30 सी गार्डियन प्रेडिएटर बी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल खरीदा जाएगा। दोस्तों इस 30 ड्रोनों को इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में इक्वली बांटा जाएगा, जिनमें से हर एक विंग को 10-10 ऐसा ड्रोन मिलेगा। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा डील होगा 24 MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। दोस्तों ये इंडियन नेवी का एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, जिसका लागत करीबन $2.6 बिलियन के आसपास है। दोस्तों माना जा रहा है कि माइक पोम्पियो के विजिट में इस डील को फाइनलाइज कर दिया जाएगा और इस डील के बाद इंडिया अपना पुराना हो चुका सी किंग हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा ये नया MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर द्वारा। इसके अलावा इंडिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए $1 बिलियन के लागत से अमेरिका से नासाम 2 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। दोस्तों माना यह जा रहा है कि नासाम 2 एयर डिफेंस सिस्टमों को इंडिया का दिल्ली और मुंबई शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये अमेरिका का एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसानी से हवा में उड़ने वाला किसी भी एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल या फिर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। और इसके अलावा फाइनली इंडिया 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद $930 मिलियन के लागत से करीबन और 6 ऐसा अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि ये
ये 6 अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए खरीदा जाएगा, जो एयरफोर्स वर्जन से थोड़ा ही डिफरेंट होगा। पर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला वेपन इंडिया का ऑलरेडी खरीदा हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर से कितना डिफरेंट होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में 2007 से लेकर अब तक करीबन $17 बिलियन का डिफेंस डील हो चुका है। और दोस्तों, इससे इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील जो कई सदियों से ना के बराबर था, वो बढ़ के कई बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका का काटसा के रूल के तहत अगर कोई कंट्री रशिया से कोई डिफेंस डील करता है तो उस कंट्री के ऊपर अमेरिका का सैंक्शन लग सकता है। और दोस्तों, अमेरिका की तरफ से S-400 डील को लेके इंडिया को भी इस सैंक्शन का धमकी दिया जा रहा है। पर दोस्तों, इंडिया S-400 खरीदेगा ये फाइनल कर चुका है, और इंडिया को अगर काटसा के धमकी दिया जाता है तो अमेरिका के लिए ये $10 बिलियन का नया डील कैंसिल भी हो सकता है। पर दोस्तों, इससे इंडिया का भी नुकसान है, क्योंकि इंडिया अमेरिका से जो इक्विपमेंट खरीद रहा है वो दुनिया के कोई और कंट्री नहीं बनाता है। जैसे कि P-8I एयरक्राफ्ट, जो दुनिया के किसी भी कंट्री का बनाया हुआ किसी तरीके का मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से कहीं गुना ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को देखे तो शायद इंडिया को इसके लेवल का हेलीकॉप्टर फ्रांस या दूसरे कंट्री से मिल जाए, पर चाइनीज सबमरीनों को काउंटर करने के मुकाबले में सी हॉक हेलीकॉप्टर जैसा एडवांस तकनीक शायद ही किसी और कंट्री के पास मिलेगा। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर जैसा हेलीकॉप्टर दुनिया के किसी और कंट्री के पास नहीं है। तो अगर इंडिया को काटसा के रूल के तहत ये डील कैंसिल करना पड़ा तो ये अमेरिका को जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना इंडिया को भी पहुंचाएगा। पर दोस्तों, ये भी नहीं है कि इंडिया काटसा के रूल से डर के रशिया से डिफेंस डील नहीं कर रहा है। बीते कुछ सालों में इंडिया रशिया से कई बिलियन डॉलरों का डिफेंस डील कर चुका है, जिसमें सबसे प्रमुख है $5.4 बिलियन का लागत का S-400 का डील। इसके अलावा है अकुला 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, AK-203 असॉल्ट राइफल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, KA-2260 हेलीकॉप्टर और स्टेल्थ फ्रिगेट। दोस्तों, माना ये जा रहा है कि इंडिया अमेरिका का काटसा के डर से रशिया के साथ अपना डिफेंस रिलेशनशिप खराब नहीं करेगा। इसके अलावा माना ये भी जा रहा है कि अमेरिका बीते कुछ सालों में बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से अपने डिफेंस मार्केट को खोने के बाद इंडिया जैसे बड़े मार्केट को खोना भी नहीं चाहेगा। इसके अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास इंडिया जैसा दूसरा साथी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली ये बताया जा सकता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में आने वाले कुछ सालों में $10 बिलियन का नया डील साइन हो जाएगा, जबकि इस वजह से इंडिया को रशिया के साथ अपना रिलेशनशिप को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।